क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। मेरे मालिक, अल्लाह ताला आज मेरा इंटरव्यू, अल्लाह ताला इस जॉब को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी बहुत ख्वाहिश है अल्लाह ताला आज इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊँ। प्लीज़ अल्लाह ताला ये जॉब मुझे मिल जाए अल्लाह ताला, ताकि मैं अपना करियर बना सकूँ, इस माशरे में अपना नाम अपना मकाम दोनों हासिल कर सकूँ। आमीन। इंशाल्लाह आज तुम जरूर कामयाब होगी। अम्मी पता है मुझे लग रहा है जैसे आज ही जॉब मुझे मिलने वाली है, और मैंने ना ख्वाब देखा था। आपने देखा कोई ख्वाब? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा। क्यों, आप तो हमेशा ख्वाब में देख लेती ना जो भी मेरे साथ होने वाला होता है। हाँ मगर इस दफा तो कोई ख्वाब नहीं देखा, क्या कर सकते हैं बच्चे। तुम तसल्ली रखो, जो माँ का दिल होता है ना अल्लाह से बहुत करीब होता है। बच्चों के साथ अच्छा हो या बुरा हो इशारा मिल जाता है। कुछ नहीं छुपा होता माँ से, माँ को सब कुछ पता होता है, समझी तुम किसी भी सूरत में। तो ये क्या बात हुई है अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ हाँ, तो मुझ जैसी माँ का तो हार्ट फेल हो जाए अचानक की खुशी अचानक के दुख से। ये क्या बातें कर रही हैं आप, इतने देखें जरा। हाँ क्या हो गया आपको? आपका मुंह ना सिर्फ दुआएं देने के लिए बना है, और जो सुबह सुबह आप अल्लाह ताला को इशारे दे रही है ना वो कभी सुन भी लेते हैं? अल्लाह मेरी बेटी को हर कदम पे हर मैदान में कामयाबी देते हैं। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। मैं जल्दी से नाश्ता। नहीं मैं आपके साथ नाश्ता बनाऊंगी। अरे जाओ ना। हो जाऊंगी तैयार, क्या हो गया अम्मी? अच्छा चलो फ्राई पैन ऑन करो बच्चे। हाँ सही है। दुरैया इधर आओ फौरन। हाँ जी। ये क्या है, तमीज नहीं है अंडा बनाने की? ऐसा बनता है अंडा? बनता तो ऐसे ही है, दूसरा बना देती हूँ। माशाल्लाह, बजाय इसके कि अपने पोहड़पन पर शर्मिंदा हो मुझसे बहस कर रही हो। क्या हो गया अम्मा, एक अंडा ही तो है, डांट क्यों नहीं है? क्योंकि डांट खाए बगैर तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। अच्छा आपने वो साबुत जर्दी वाला खाना है, टूटे बिना ना, मैं ले आती हूँ। रहने दो, मैं अचार के साथ खा लूंगी पराठा। अंडे को सस्ते हैं क्या? मैं इसे कैसे अचार के साथ खाएंगी, दो मिनट लगेंगे, बना अच्छा बना के ला दूंगी। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। अगर यही तुम्हारे तौर तरीके रहे ना तो रोमाना घास भी नहीं डालेगी तुम्हें, कभी वह हाथ से शादी नहीं करेगी तुम्हारी। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, मैं सारी दुनिया में तुम्हारी तारीफें करते करते बावली हो रही हूँ। और तुम्हें देखो, उसको देखा सारा को, कैसे सारे खानदान को मुट्ठी में कर रखा है उसने, कैसे वो आगे पीछे फिरती है रोमाना के और वहाज के। वहाज का दिल अगर बन गया ना उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी।
और वहाद से अच्छा लड़का पूरे खानदान में तो क्या कहीं मिलने मिलाने वालों में भी नहीं है। अच्छा आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, तुम भी खुआरियां काटने के लिए जाओ। वो अकेली धक्के खाती खाती थक गई होगी ना। कोई आसान काम है इस शहर में नौकरी का ढूंढना? वो रोज फाइल बगल में दबाकर नंगे सर मटर गश्तियां करने निकल खड़ी होती है, और असगर को देखो वो भी मना नहीं करता। जाओ तुम भी जाओ, लेकिन इस बार तो मैं मुंह देखे को मना नहीं कर सकी। लेकिन ये पहली और आखिरी दफा साथ जा रही हो, तुम बता देना सारा को अपने मुंह से, अब मैं इजाजत नहीं दूंगी। जाओ। शामा ये क्या है? ये इतना बनाओ सिंगार करके क्या शादी पे जा रही हो? उतारो। अम्मा थोड़ी सी तो चूड़ियां पहनने देना। थोड़ी सी तो क्या, मैं एक भी नहीं पहनने दूंगी। जिस जहर लगती है छन छन करती हुई, लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हुई लड़कियां। चलो जाओ। और हाँ नकाब गिरा कर जाना, शरीफ लड़कियां खुले मुंह घर से बाहर नहीं निकलती। सारा की तरह रस्सी नुमा दुपट्टा गले में डाल के ना निकल जाना। जाओ। सारा जी अब्बू। अरे भाई ये मेरी बेटी पहन के जाएगी इंटरव्यू के लिए, देखो जरा। ये तो बहुत अच्छी है। वो ये कितनी प्यारी शर्ट है, ये कब बनाई आपने? रात को ही बनाया, वो देखो वो मैगजीन के डिजाइन जैसा ना है वैसे। हाँ ये यानी कि आप सही रात ये बना रहे थे, मैं कहूँ मशीन की चलने की आवाज आ रही, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे नहीं वो सही रात को काम इसलिए करना पड़ा कि मेरी बेटी को वो डिजाइन पसंद आया था ना, तो बिजली नहीं आ रही थी वरना जल्दी बन जाता, लेकिन शुक्र है बन गया। मेरे प्यारे से अबू, अबू बस एक दफा ये जॉब मिल जाए ना मुझे, मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगी, फिर सारी मेहनत मैं करूंगी और आप आराम करेंगे। बिटिया आराम सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खुश व खुर्रम देखूंगा, और ये तुम्हारी जिद की वजह से ये जॉब की इजाजत दे रहा हूँ मैं, वरना बुढ़िया तुम्हारी माँ और मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही लिए कि हम इज्जत से रुख्सत तो खरीद सकेंगे तुम्हें। एक बात बताएं आप मुझे, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ क्या बात की तुमने, तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम, ये तुम्हारे कहके जब घुसते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा। लेकिन गुड़िया बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं, इतना एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है ना। काश मैं आपका बेटा होती ना अब्बू, सारी जिंदगी आपके सीने से लगकर मेहनत करती, आपकी खिदमत करती मैं। बात सुनो, ये क्या बात की तुमने? मेरा मान हो, मेरा फखर हो तुम, बेटी नहीं हो बेटा हो तुम। और ये बेटे आजकल के कहाँ रहते हैं माँ बाप के पास, बोलो। हाँ लेकिन मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जितनी भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करें, मैं इस घर में रहूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ कभी नहीं करते ऐसी बातें, अरे कबूलियत का वक्त होता है वो सुन लेता है। सुने आप काम पे जाने से पहले थोड़ा आराम कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम अस्सलाम। शिवो जीती रहो। आमीन आमीन। चलो चले, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई हो? हाँ क्यों क्यों मामी जान, मैं ठीक हूँ, मैं सारे के साथ जाने के लिए सही नहीं है मामू। नहीं नहीं बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरबंद से बचाए। सारा ने जिक्र ही नहीं किया कि तुम भी जा रही हो। नहीं होगी
भूल जाती है ना, इंटरव्यू भी है तो टेंशन वगैरह, तो चलो ना, देर हो रही है, चलो ख्याल रखिएगा, फेर से जाओ, फेर से अल्लाह का व्याप करना, जहाँ भी जाने इतना फेस, ये मुझे जाना सबके साथ, नहीं बताया नहीं मुझे, सुनो झूठी, मैंने कब कहा था तुम्हें यहाँ कि तुम मेरे साथ जाओगी? वो तुमने कहा तो नहीं था, लेकिन लेकिन सारा असल में ना, सारा क्या, तुम अब सारी कहानी मुझ पर डालोगी है ना? अब ऐसा भी नहीं है, वो उसकी ना मेरी दोस्त है ना साइमा, उसकी तबीयत खराब है, वो पूछी थी अम्मा ने इजाजत नहीं देनी थी ना, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ जाने का कहा था। तो ये कहानी है सब, तुम झूठ बोल कर जा रही हो दुरैया, क्या कर रही हो तुम यार? झूठ कौन सा हुआ, तुम्हें बता रही हूँ ना कि झूठ थोड़ी ना हुआ भाई, एक बंदे की तबीयत खराब है बस वो ही पूछने जा रही हूँ, अब इसमें कुछ गलत तो है नहीं है, जारा मैंने उसको कह भी दिया, बुरा लगेगा नहीं गई तो। सुनो मेरी बात, हमारे माँ बाप हम पे भरोसा करके हमें बाहर भेजते हैं ना? मैं किसी का एतबार नहीं तोड़ी, एक दोस्त की तबीयत खराब है, सिर्फ यादत के लिए जा रही हूँ बस, भरोसा। अच्छा मूड तो नहीं खराब करो ना मेरी प्यारी बहन, अच्छा मूड नहीं खराब करो, दुरैया बात मूड खराब करने की नहीं है यार, दोस्तियाँ क्या माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, खुदा ना खासा फुटबॉल को पता चल गया तो कैसे पता चलेगा, रिक्शा रिक्शा जब तुम बताओगी नहीं मैं भी नहीं बताऊंगी, अच्छा मुझे फोन कर लेना ना प्लीज, अच्छा बाय, ओके अल्लाह, दुरैया मुझे कॉल करना, हाँ मेरा वेट करना, ओके ओके खुदा जाओ, ख्याल से जाना, अल्लाह हाफिज। आज बेटा कब तक पढ़ोगे? अभी बैठा हूँ, क्यों कोई काम है आपको? हाँ वो आपा की तरफ जाना था, लेकिन कोई बात नहीं तुम पढ़ो, मैं रक्षे से चली जाऊंगी। मैं छोड़ा था आपको। नहीं बेटा तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा, तुम फिक्र नहीं करो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे दरअसल हमजा की तरफ जाना ही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको रास्ते में ड्रॉप करता जाऊंगा और वापसी पे पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है फिर, अगर तुम्हें मसला नहीं है तो मेरे लिए तो और आसानी हो जाएगी। बस बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई अर्ज हो, तुम्हारे अब्बू ने बहुत मेहनत की है तुम पे बेटा, अब वो हमारे साथ नहीं रहे, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दुगनी मेहनत करो और उन्हें वही कामयाब शख्स बन के दिखाओ जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था। मैं जानता हूं आपने रब ने जो मेरे लिए मेहनतें की हैं, मैं उसको रायगा नहीं जान दूंगा। जी तेरो। अच्छा बस दो मिनट दो मुझे, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या कर रहे हो? आओ शेख मधु। एक मिनट लिखाओ दिखाओ। मैं तो सोचा था कि आज तुम अपने इन प्यारे प्यारे हाथों में मेहंदी से मेरा नाम लिखोगी, लेकिन ये तो खाली है। कोई आ जाए जल्दी से कहो।
वाह, देखो ट्राई किया। जी सर, मैं आपको सेकंड हाफ में मेल कर दूंगा, बल्कि सेकंड हाफ से पहले ही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नादिया, मेरी कोई मेल? जी सर। बस जैसे ही मुझे वहां से रिप्लाई आता मैं आपसे शेयर करूंगा सर। ओके ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू में और कितना टाइम है? अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। अच्छा, जब तक हम लोग चाय पी कर आ जाए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कैंटीन कहाँ है? उस तरफ। गर्ल्स चलो अभी हम लोग चलते हैं कैफेटेरिया, क्योंकि अभी टाइम है इंटरव्यू में। चलो ना। ये देखो, ऐसे क्या देख रही हो? साफ पता चला पहली बार आई हो। तो पहली बार ही आई हूँ। चलो इतने बड़े मॉल में। अच्छा सुनो, एस्केलेटर तो यूज करना आता है ना? तुम पकड़ लेना ना, क्यों गिरी तो। हाँ ऑब्वियसली। तुम जा करो। ओए ओए ओए, क्या करूं मैं तुम्हारा? बड़ा मॉल है ना, इसके ऊपर नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, मॉल ऐसे ही होते हैं। हाँ सर। ये जो पिंक ड्रेस में लड़की बैठी है उसको अंदर भेजो। ठीक है सर। मिस जी, आप सारा असगर, आपका सरफराज सर बुला रहे। बुट्ठे से जान छूटती है, चाहे 5 मिनट के लिए सही। कैसे लग रही हो? ठीक लग रही हो ना? ठीक। बॉम्ब लग रही हो? बॉम्ब। ये बुरखा रख लो जल्दी से। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बैग में क्यों रखना है, मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। अच्छा सुनो, हमें कोई देख तो नहीं लेगा ना? देख भी लेगा तो बोलेगा अच्छी लग रही हो। तुम भी अच्छी लग रही हो, बुरी नहीं लग रही। तुम भी लिपस्टिक लगा लो। अरे नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो। अरे ट्राई तो करो, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको। ये दुपट्टा तो ठीक करो। क्या ठीक तो है? ऐसे डालो। ऐसे ऐसे रखो, आफत ढा रही हो अब। अच्छा ले तुम्हारी लिपस्टिक, चलो चले। एक सेकंड आप चलो। Thank you.
आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? आई थिंक कॉफी ठीक है। दो कप कॉफी भिजवाओ मेरे रूम में, गेस्ट टाइम है। I'm so sorry, आपको वेट करना पड़ा। नहीं, it's okay, sir. कॉफी पी लूं तो मैं फिर आपको ऑफिस का विजिट करवा देता हूँ। नदीम साहब थे ऑफिस में या आप डायरेक्ट यहाँ आई हैं? कौन नदीम साहब सर, मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आज इंटरव्यू है मेरा। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं? जी। आपका नाम क्या है? सारा। सारा? I'm so sorry, my mistake. I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। वो actually नदीम साहब की assistant हैं, Miss Ghazal। तो आपको देख के लगा कि आप ही हैं वो Ghazal। जी? मेरा मतलब वो नहीं था। Thank you, sir. अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप कॉफी तो पीती जाइए। नहीं थैंक यू सर, मैं कॉफी नहीं पीती। बड़ा सिनेमा है। हाय नोशी, मेरा ना बड़ा दिल करता है सिनेमा में मूवी देखने का, बड़ी स्क्रीन पे ये बड़े बड़े हीरो हीरोइंस। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही देख लेते हैं। आज? हाँ, शाहरुख मेरी कोई बात नहीं टालता, एक बार बोलो हो जाती है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अच्छा हाँ, आने दो उसको, एक बार बोलूंगी फॉरेन टिकट ले लेगा। हाँ लेकिन आज नहीं, पर फिल्म हम जरूर देखेंगे लेकिन आज नहीं। वो उसने सारा ने जल्दी फ्री हो जाना है, वो साइमा के घर चली जाएगी, उसको मैं आगे से ना मिली तो बस तमाशा। अरे यार कितना डरती हो तुम, ना सिर्फ उससे इनफेक्ट सारे घर वालों से। छुप छुप कर यहाँ मॉल्स में आऊंगी, घर झूठ बोलकर बाहर निकलूंगी, डरूंगी तो सही ना पकड़ी गई तो। मेरी जान एक ही जिंदगी है, डर डर के क्यों जिए भला। चलो आज ही देखेंगे। नहीं नहीं आज नहीं देखेंगे, समझा करो ना, तो तुम भी घोड़े पे सवार हो जाती हो। अच्छा वो वाली देखेंगे, वो ड्रोनी वाली। मर्जी है भाई तुम्हारी। कॉफी क्यों नहीं पी कर रही? कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? अच्छा वो लड़की। अरे भाई मुझे नहीं पता कौन थी वो लड़की, वो गलती से आ गई थी रूम में, इंटरव्यू था शायद उसका, वो समझी। और तुम उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसको कॉफी पिलाना चाहते थे, राइट? सरफराज कितना बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? ये कैसा सवाल है यार, मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझने लगूंगा? आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। जिस अंदाज से वो तुम्हारे कमरे से निकल कर गई है ना, उसके बाद सोचने की जरूरत तुम्हें है सरफराज। कम ऑन यार, गलती से आ गई थी, बेचारी एम्बैरेस्ड हो गई होगी। और ये कॉफी भी मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी और तुम्हें बुलाने ही वाला था। आराम से बैठ के कॉफी पियो। मेरे लिए ना भी मंगवाई होती तो भी कोई बात नहीं,
मेरे हिस्से में तो वैसे भी छोड़ी हुई और झूठी चीजें ही आती है सरफराज। फिर वही बात, शीना ने कितना अरसा हो गया एक साथ, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, हैरत है यार। मुझसे ज्यादा साल तो तुम्हारी बीवी को हो गया तुम्हारे साथ, तो बच्चों के बाप भी हो, उसके निकाह में हो, जब उसे आज तक तुम पर भरोसा नहीं, तो हमारा रिश्ता तो सिर्फ जुबानी कलामी है। एक तुम्हारी बीवी ही काफी है सरफराज, अगर उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आई तो याद रखना जिंदगी नहीं रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी जिंदगी खत्म कर दोगी तुम, क्या जान ले लोगी मेरी? जान लिए बगैर भी जान ली जा सकती है मिस्टर सरफराज अहमद। हाँ इसमें तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, इस रब्बी कसम से तुमने मेरी जान निकाल ले ली। कॉफी पी लो। उसने क्या कहा था कब तक आएगा? अभी तक तो आ जाना चाहिए था यार, अभी तक क्यों नहीं आया? ये मैसेज कर लो, छोलो इस साइड पे आ जाओ, यहाँ देखिए। मुशी वहाज, मेरी कजन वहाज भाई पीछे। ओ माय गॉड जम्मू, रे यार ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? अच्छा तुम रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, पीछे मुड़ के देखो इधर तो नहीं आ रहे। अरे भाई चुपचाप चलती रहो ना, बस सुना तेरे पीठ तो नहीं आने नहीं कहीं नहीं आ रहे नहीं कहाँ चलो आजा बाहर, चले गए वो। इतनी सी बात का इतना मतलब पतंगड़ बना दिया, मुझे भी डरा दिया, पूरे मॉल में एक तुम ही देखोगी क्या? एक सेकंड चुप कर, थोड़ा सा आगे होके देखो, चले गए ना? हाँ हाँ चले गए, आओ चले। हेलो यार क्या बकवास, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए हो? आ रही हूँ चलो। ओ, दुरैया ने ना कबाबों का मसाला बना के रखा है, तुम कहो तो तल कर ला दो। नहीं नहीं आपा जरूरत नहीं है, चाय खाली काफी है। अच्छा, वो कह रही थी खाला आएंगी तो चखाऊंगी मैं उन्हें, बस कोई नई रेसिपी देखी है उसने टीवी पर तो बनाए हैं कबाब। सारा दिन यही करती रहती है, खाने पीने की वीडियोस देखती है, सीने पर होने की वीडियोस देखती है, पर ना आजकल की लड़कियां तो अल्लाह माफ करे ऐसी बेहयाई की चीजें देखती हैं कि बस। और ये देखो कल गई ना सारा के साथ बाजार तो ये चूड़ियां ले आई, मैंने कहा अरे भाई इस उम्र में मैं ये कांच की चूड़ियां पहनती भी अच्छी लगूंगी, तुम पहनो। बोली नहीं, गैर शादीशुदा लड़कियों को ज्यादा हार सिंगार जेब नहीं देता। तुम्हें याद है ना रुमाना, अम्मा हूबहू यही बात करती थी, बिल्कुल अपनी नानी पर गई है माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह आपने वैसे बहुत अच्छी तरबियत की है दुरैया की।
हाँ ये बात तो है। अभी देखो सुबह उठी, उठ के पहले नाश्ता बना कर दिया, फिर बर्तन धो के रखे, सारे घर की सफाई सुथराई की, कपड़े भिगो कर गई है सारा के साथ। मेरी बेटी तो जिस घर में जाएगी जन्नत बना देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला सारी बच्चियों के ना नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ये वहाज के हाजिरी लगाकर फौरन ही चला गया, आएगा तुम्हें लेने? हाँ हाँ अबा आएगा, जरूर आएगा। वो आजकल पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहता है, उसका वो फाइनल मॉड्यूल हो रहा है ना, बस आप दुआ करें कि इंशाल्लाह वो एक दफा बस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए ना, तो समझे उसके अब्बू की आरजू पूरी हो जाएगी। सिर्फ उसके अब्बू की आरजू क्यों, मुझे भी वहाज से बहुत उम्मीद है। मैं इतनी दुआएं करती हूँ उसकी कामयाबी के लिए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और क्यों ना करूं, मेरा अपना बच्चा है, मैं उसके लिए फिक्रमंद नहीं होंगी तो कौन होगा। तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ, तुम अकेली हो। वैसे सोचा था मैंने कि जब कभी ये जिक्र आएगा तो ये बात छेड़ूंगी, वहाज की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए ना तो उसकी शादी कर दो। बच्चों पर जितनी जल्दी जिम्मेदारियां डाल दी जाए ना उतना ही अच्छा है। अब देखो ना असगर को, देर से शादी हुई तो कैसा बीवी की मुट्ठी में है। तुम्हारा तो इकलौता बच्चा है, अगर बीवी के काबू में आ गया तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं आपा, अल्लाह बेहतर करेगा, अपनी ही कोई देखी वाली लड़की लेकर आएंगे ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ देखी वाली लड़कियां भी कौन सा शादी होती है सबकी सब। मेरा मतलब है कि इसको देख लो ना, हमीदा को और सारा को, कैसा असगर को काठ का उल्लू बनाकर रखा है। इतनी बेचैन रूह है ना सारा, उसको तो भतीजे कहते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है। सब आधी उम्र तो पढ़ाई में गंवा दी और अब निकली है नौकरी करने के लिए। मना किया मैंने हमीदा को, मैंने कहा लड़की को घर से बाहर ना निकालो, हाथ से निकल जाएगी। लेकिन हमीदा, उसे तो वही अपनी लड़की की कमाई खानी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपा, खामोखा में बदगुमान हो रही है आप उसकी तरफ से। जमाना बदल गया है, अब लड़कियां बिना लड़कों की तरह मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं अपना। उनकी भी ख्वाहिश होती है, उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये होती है कि खुद कमाएं और खुद अपने ऊपर खर्च करें। तो अगर सारा भी ऐसा कर रही है, अपना मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश कर रही है, तो क्या बुराई है? हाँ ये अच्छा कहा तुमने, लड़कियों की हिफाजत सिर्फ चादर और चार दीवारी में होती है, वहां रहती हैं वो महफूज। अब ये गैर मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां ये घर बार नहीं बसा सकती। मेरा मतलब है, ये बात मैं सारा के लिए नहीं कह रही, वो तो अपनी है, ये तो कहानियां घर घर बिखरी पड़ी हैं। क्या क्या नहीं होता लड़कियों के साथ दफ्तरों में। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, मेरा तो दिल बहुत डरता है। अल्लाह मियां सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे, सबको हिफाजत दे। आमीन सुमा आमीन। भाई दबे, ये उसको दे दे दूंगी बाद में। तुम्हारे लिए खोलूं? नहीं नहीं, मुझे वो वाली चाहिए। ये लो। फ्राइज खिलाओ अपने हाथ से। मुझे खिलाओ ना तो। इस वाले में बहुत मजा आया। बाय द वे, वो उस शॉप पे मैंने एक गोल्ड ड्रिंक देखी है। ले लेंगे, क्या मसला? का? यू आर द बेस्ट। हाँ सारा, विनीगर मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ।
अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ठीक है तुम आ जाओ। हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, बस मैं तुम्हें लेने के लिए निकल जाऊँ, ठीक है ना? ओके अल्लाह हाफिज। हाफिज। नोशी 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 क्या सारा आ रही है मुझे लेने, चलो बच्चा ना तुम इतना चल जाए, कौन इंतजार करिए, चलो बैग पकड़ो अपना, चलो 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 घर बता देगी सब कुछ, चलो जल्दी चलो। बहुत देर हो गई है, करो अब जल्दी। एक मिनट की लिपस्टिक उतार लूं, तुम्हें पता है ना सारा का क्या हो यार, तुम इतना डर है घर का तो आती क्यों हो? कितना नाराज हो रहा था शाहरुख, तुम्हें शाहरुख की पड़ी हुई है, बस बुरखा पहनती हूँ मैं तो निकलते हैं फौरन। हाँ लो छुप जाओ उस बुरखे के पीछे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? कुछ नहीं, जल्दी करो, वो हमसे पहले पहुंच गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेट, सारी डेट खराब करती। हमें इतनी बदतमीजी करके चली गई, अकेली आ जाती ना, ना लेकर आती मुझे। सारा को भी अभी कॉल करनी थी। अच्छा बस भी करो ना, पूरे रास्ते में बातें सुनाती आई हो। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? हाँ कहाँ गई थी तुम? झूठ नहीं बोला, कसम से झूठ नहीं बोला, गई मैं साइमा की तरफ ही थी। फिर पता क्या हुआ, इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तुम्हें पता उसका भाई घर में अकेला होता है, तो मुझे लगा मैं ना नौशी को फोन कर लेती हूँ ताकि हम शॉपिंग पे चले। बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें, साइमा की तबीयत खराब नहीं थी ना, शॉपिंग पे जाना था तुम्हें, है ना? अच्छा ना बस अब नहीं जाऊंगी, आखिरी दफा ही था। ये मैं कहा था ब्लश ऑन लगा के कौन किसकी आदत पे जाता है। आज तो जॉब मिली है, मूड पे देख रही हूँ। मैंने सारा को फोन किया, बस रास्ते में आती होगी, तो एक काम करो ना बाहर जाकर बैठ जाओ, फूफो के पास चले जाओ, मैं बस ये यहाँ से फारिग होती हूँ आती हूँ फिर। नहीं मामी मैं यहाँ पे ठीक हूँ आपके पास। अरे भाई बहुत गर्मी हो रही है ना इसलिए कह रही। अच्छा चलो जाके वहां से चेयर ले और बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, और चाय मैं नहीं पीऊंगा, हाल बता आपके हाथ का मजेदार खाना जरूर खाऊंगा। क्या बना रही है? इतने दिनों बाद आए हो, तुम्हारा पसंदीदा खाना बन रहा होगा, बूझो आलू मटर की और तुम्हारी पसंदीदा खीर, बहुत पसंद है ना तुम्हें। मामी इसी तरह आपके घर की कोई भी चीज मुझे अगर पसंद आए तो आप मुझे दे देंगे? सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, कोई पूछने की बात है? मामी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सारा की बात कर रहा हूँ।